अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवी दिसरे आयो मेहरान टीवी न्यूज़ आई आऊं हां रुखसार हैदर सब खा पर एक नजर हेडलाइंस पे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चवा है तो बलोचिस्तान जो अमन ए खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की ए खुशहाली की जमानत है। वक्त अची वो है तो दुखियाइन से हासिल कल अमन में फायदा वरता वन पायदार इस्तेहकाम समाजी मुआशी तरक्की तेज कई वे। बलोचिस्तान कौमी क्यादत के ध्यान जो मरकज है। आर्मी चीफ जो बलोचिस्तान कौमी वर्कशॉप के खिताब। वजीर आजम इमरान खान चवा है तो पाकिस्तान आलमी अमन ए तरक्की लिए चीन की कोशिशों की हिमायत करे तो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वर्चुअल सरबराह इजलास में खिताब कर वजीर आजम इमरान खान तो पाकिस्तान आलमी तरक्की में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फलसफे की हिमायत करे तो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ए पीटीआई की तरक्की जो फलसफो एक है असा पैंजा बुनियादी मुफाद हासिल करण लाए एक बे की हिमायत क्यों था। सिंध ए बलोचिस्तान में पानी ते तकरार तेज। बलोचिस्तान हुकूमत सिंध हुकूमत के हिस्से जो पानी न दियण जो इल्जाम हणी छो। हब डैम में कराची जो पानी बंद करण की धमकी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जमान लियाकत शामवाणी चवा है तो इरसा जो पानी सिंध जरिए बलोचिस्तान के मिल है। सिंध हुकूमत गुजरियल 20 साल का पानी जो पूरा हिस्सो ना है दिनों। सिंध 17 सैकड़ों पानी की खोट है। सिंध बलोचिस्तान के 42 सैकड़ों पानी घट दई रो है। सिंध हुकूमत बलोचिस्तान हुकूमत पारा पानी चोरी वारा इल्जाम रद्द कर छाया। सुहेल अनवर सियाल है तो सिंध में पानी की खोट बावजूद बलोचिस्तान के पानी की फरहमी जारी है। बलोचिस्तान हुकूमत जो तर्जमान पानी के मामले से गलत बयानी कर रो है। जेकर सिंध के पूरा पानी न मिल तो बलोचिस्तान के कि दींदी। लियाकत शामवाणी जो बयान गैर जिम्मेवाराणो है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी चवा है तो बलोचिस्तान में भारत जो दहशतगर्दी जो नेटवर्क वे हद तक टोड़ो वो है। वजीर आजम काल नाराज बलोचन से गालियों को ऐलान किया जैसे कम शुरू कर वो है। इन नाराज बलोचन से गालियों क्यों वेंदू जे भारत से राबते में ना। वजीर आजम समूरन गवर्नर हुकूमती अहदेदारों के प्रोटोकॉल में घटताई आने की हिदायत कई है। जैसे गाड़ी के झंडो लगने की इजाजत मिली वो ही झंडो लगाई भंजकड़ी कदड़न खिलाफ सख्त कदम खड़ा। अगूणो सदर आसिफ अली जरदारी कराची का जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुंची वो। आसिफ जरदारी सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट में न्यूयॉर्क फ्लैट केस में जमानत के लिए पेश थो। सिंध के तालीम खाते उस्तादन की बदलियन ए मुकररी लाए सिंध काबीना का मंजूर कल ए ट्रांसफर पॉलिसी की शुरुआत कर छी। तालीम वाले सूबाई वजीर सईद गनी कराची में सिंध स्कूल इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो इफ्तिताह कर छो। सईद गनी चवा है इन पॉलिसी तहत हाने उस्तादन की बदली ए मुकररी लाए ऑफिसन जहा चक्कर लगने की जरूरत न पवंदी। उस्तादन की बदली हर साल तालीमी साल की शुरुआत का अग थी। इन लाए मुकरर थियल वक्त 15 दी हों इन सजो साल उन बदली न थी सी। सिंध हुकूमत थरकोल में तशद्दुद सबब फौत थियल पोहरत दोदे भील के वारसन के मुआवजो ए नौकरी दियण जो ऐलान कर छो। इम्तियाज शेख सरदार शाह बन प्रेस कॉन्फ्रेंस कने तो पोहरत दोदे भील के वारसन के मुआवजे तौर 1 करोड़ रुपया दिना वा। संदस वारसन के थरकोल में नौकरी दिनी वी। तशद्दुद सबब जख्मी थियलन के 50-50 लख रुपया मुआवजो दिनों वो। वाकई जो केस दाखिल किया वो है। मुतासर खानदान के इंसाफ दियारो वो। मलीर वेझो बिन कासिम में जवाबदार गोलियों हणी वेगी माओ ए भाव के कथी कर छो। दुम्बा गोठ में जवाबदार इलियास पेंजी वेगी माओ जुबेदा ए भाव बबलू के गोलियों हणी कथी कर छो। फायरिंग के नतीजे में नींगरी अफशां जख्मी जवाबदार गिरफ्तार। कुनरी भरसा गोठ बाबू इकबाल आरायन में 19 वर्ष की नारी मदीहा आरायन जो घर में गोलियों लगल लाश हथ। पुलिस वाके वाले हंध पहुंची नारी जो लाश खणाए तालुके अस्पताल मुंतकिल किया।